वेलकम टू आवर चैनल। और आज बच्चों की रेसिपी में मैं लेके आई हूँ झटपट तैयार होने वाली आलू कचौड़ी। और ये कचौड़ी मायरा के की पसंदीदा कचौड़ी है, और अगर ये आपको भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैंने लिया 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू और इसे सेमी बॉईल किया, बिकॉज हमें इसे आटे में गूंदना है तो बहुत ज़्यादा बॉईल करने पे ये आटे को गीला कर देगा, इसलिए हम इसे सेमी बॉईल करेंगे। मैंने लिया 2 कप आटा और इसमें मैंने बॉईल किए हुए आलू को कद्दूकस कर दिया। कद्दूकस करने से इसमें आपको लम्स नहीं मिलेंगे और आप ईजिली इसे गूंद पाएंगे। पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद मैंने इसमें डाला हल्दी। मैं मायरा के सॉल्टेड फूड में हल्दी डालना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ये एंटी एलर्जिक होती है और बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी के लिए। इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे। पानी डाल सकते हैं इसमें ताकि अच्छे तरह से गूंज जाए। और मैंने इसमें डाला तेल, बिकॉज तेल डालने से ये बहुत अच्छा सॉफ्ट टेक्स्चर आता है। इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे किसी कॉटन कपड़े से या किसी कपड़े से ढक के रख देंगे। थोड़ी बाद देर बाद हमारा सॉफ्ट डॉ तैयार मिलता है हमें। अब हम इसे इसकी पूड़ी बनाएंगे। आलू के कारण ये थोड़ा सा गीला आपको लग सकता है, अगर आपको बहुत गीला लगता है आप कॉर्नफ्लोर मिला के इसे थोड़ा सा हार्ड सख्त कर सकते हैं, ज़रूरत ना हो तो ना डालें। ये मैंने बेल ली रोटियाँ इसकी। इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं मायरा की पूड़ियों को या किसी भी रोटी को उसे डिफरेंट शेप्स में ही देना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ खाती है। तो अगर आपको अपने बच्चों को देना है आप भी ये कर सकते हैं। ये हमारी कचौड़ी तैयार हो गई। तेल गरम करें और अब उसमें अपनी पूड़ियाँ डालनी शुरू करें। थोड़ी ब्राउन करनी है हमें और इस तरह से हमारी आलू वाली झटपट तैयार होने वाली कचौड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे अपने बच्चों को सर्व करें। डिफरेंट शेप्स की आलू कचौड़ी आपके बच्चों को ऐसे भी बहुत अट्रैक्ट करने वाली है, उन्हें पसंद भी आने वाली है। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, तो अगर आपके बच्चों को झटपट कुछ चाहिए तो आप इसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मायरा, व्हाट इज दिस? Hot. It's not hot. Dark hot. Yummy, yummy.